हमेरिया माता सहकारी संस्था मर्यादित काली कोटली समिति के मछुआरों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 2014 समिति के 27 सदस्यों को मध्य प्रदेश सरकारी राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जारी आदेश के आधार पर 5 वर्षों से मछली पकड़ने का कार्य करके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व की दबंगता और दादागिरी के चलते यहाँ मछली पालन करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मछुआरों ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को गोपाल पिता शिवलाल गुज्जर निवासी रातड़िया और धनराज पिता चुन्नीलाल भील आए। सरकारी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी दोनों आरोपियों ने जातिगत गालियां, बंदूक, तलवार, जान से मारने की धमकी दिए और मछली पालन करने से मना कर दिया। विगत 2 वर्षों से निरंतर मछली पालकों को मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि नियुक्त चौकीदार को हटाकर एवं आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही सुरक्षा की मांग भी की गई है और मछली पालन की मजदूरी का कार्य करने वालों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। हम मेरा लेन से आए हैं और हमारे तकलीफ ये है कि 2-4 साल से हम हमारे हिसाब से पकड़ लेते मच्छी और बेच बेचा के हमारी पेट गुजारा करते हैं। अब 2 साल से गोपाल गुज्जर और धनराज भील और ये जो मछली डिपार्ट वाले ये सब इनके ग्रुप में मिलकर प्रशासन बिठा दी और ये अवैध मछली ये बेच रहे हैं और थाना में जावे तो और भी सुनवाई नहीं हुआ सर। इसके अलावा साहब हम कहीं जाते हैं सुनते ही नहीं। तो आज हम कलेक्टर साहब के आए यहाँ के हमें हमारा बांध डेम हमारे को वापस दिया जाए।